अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं जैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये सेट है एलजी का 21 इंच का सीआरटी टीवी है, तो इसमें फॉल्ट क्या है कि ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन किया लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा सेट हमारा। तो जब हम इसकी बैक साइड को मैं आपको दिखाता हूँ, इसको उल्टा करके देखते हैं, ये इसकी बैक है। तो अब हम इसके सबसे पहले हमें मैंने इसका फॉल्ट जो है वो ट्रेस किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डिटेल के साथ कहाँ पे कितने वोल्ट मिलने चाहिए, तो फिर ये सेट जाके हमारा ऑन होगा। ठीक है, तो पावर सप्लाई इसकी बिल्कुल ओके है, पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है पावर सप्लाई में। तो जब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको पावर देता हूँ, पावर दे के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, ये मैंने पावर दे दिया, अब हम इसको मल्टीमीटर को ऑन करते हैं। ये मैंने ग्राउंड दे दी इसके साथ, तो जब हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक लगा हुआ है डायोड। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट चेक करते हैं तो 10.2 वोल्ट। ठीक है, ओके, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वोल्ट हमें मिल रहे हैं 19.9, ये भी वोल्ट ओके। इसके अलावा नीचे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 35 वोल्ट का, 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, तो इसके ऊपर वोल्ट बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आगे इसके ये लगा हुआ है 7805 ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आने चाहिए 10 वोल्ट आएंगे, ये आउटपुट 5 वोल्ट आउट देगा, यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके ऊपर 5 वोल्ट आएंगे तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे, तो ये जो आउटपुट दे रहा है पहले तो इन के ऊपर ये लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये लिखा हुआ है इन, इनके ऊपर वोल्ट नहीं आ रही। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1.0 वोल्ट। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये हमें आउटपुट नहीं दे रही। जब इसके यहाँ पे चेक करते हैं, ये इसका पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें वोल्ट मिल रहे हैं 10.2। ठीक है, ऊपर इन्होंने निशान जो है वो इसका जैन डायोड का दिया हुआ है लेकिन नीचे इसके रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, तो जब हम इसके पॉइंट को ऊपर चेक करते हैं तो हमें 10 वोल्ट पूरे मिल रहे हैं, जब यहाँ पे वोल्ट चेक करते हैं आगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है, 1.0, तो यहाँ पे जब 9-10 वोल्ट आएंगे, ये ट्रांजिस्टर है 7805 3705 वो ट्रांजिस्टर है, 10 वोल्ट इन लेगा तो आउट जो है वो 5 वोल्ट आउट देगा, तो फिर हमारा सेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये ख़राब है, जिसकी वजह से हमें वोल्ट नहीं मिल रहे इसके ऊपर, आउटपुट जो है इनपुट के ऊपर भी नहीं मिल रहे, और इनपुट पे मिलेंगे तो आउटपुट ये देगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी जो ये जो रेजिस्टेंस है, हम करेंगे क्या कि इसको रेजिस्टेंस को हम जैम्पर करेंगे। ठीक है, ये वोल्ट दे रहा है 1.0, तो इसको जैम्पर कर देते हैं, जैम्पर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है वो भी ऑफ है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, किसी बटन को हम प्रेस करें तो सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, इसकी लाइट ऑफ है। तो जब हमें ये 5 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ पे 10 वोल्ट मिलेंगे, तो आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट देगा, तुम्हारा सेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट हमें पूरे मिल रहे हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन जब इसकी आउट देखते हैं तो आउट पे 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आएंगे तो हमारा सेट ऑन होगा। तो चलो इसको मैं जैम्पर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जैम्पर कर दिया इसको, ये तार के साथ ये तार लगी है। ठीक है,
ये जैम्पर किया है इसको, ये डायरेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस, यानी कि नीचे से ख़राब है, रेजिस्टेंस ख़राब होने की वजह से यहाँ पे हमें बोल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, ये मैंने अभी कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रही, ठीक, ये मैंने तार वायर के साथ इसको डायरेक्ट किया। अब हम इसको पावर देते हैं, पावर दे के चेक कर लेते हैं। ये मैंने पावर दे दिया, अब इसकी इसका इंडिकेटर जो ऑन हो चुका है, ठीक है, इसकी लाइट ऑन, अभी कैमरे की लाइट ऑन है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो जब हम इसके ये वोल्ट चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं ये 9.0, तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो दे रहा है हमें 9.7 वोल्ट, ठीक है, बिल्कुल ओके हैं वोल्ट, 9.7 यहाँ पे भी मिल रहे हैं और यहाँ पे भी। तो ये इसकी इनपुट है, ये आउटपुट दे रहा है हमें 4.9, यानी कि 5 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, 5 वोल्ट ओके हो गया। अब हम सेट को, ये इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है, तो अब हम इसको ऑन करते हैं सेट को, ये सेट हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको वो देख सकते हैं, ठीक है, ये सेट हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट बस इसके 5 वोल्ट का, इसकी रेजिस्टेंस का फॉल्ट था, रेजिस्टेंस ख़राब होने की वजह से हमें जो आउटपुट दे रही थी वो आउटपुट नहीं मिल रहे थे। रेजिस्टेंस 10 वोल्ट यहाँ पे देगी, या जितने भी वोल्ट पीछे आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, वो आगे भी इतने वोल्ट देगी। ये ट्रांजिस्टर है 7805 7805 का, ये इन इसमें 10 वोल्ट आएंगे, आउट जो 5 वोल्ट देगा, 5 वोल्ट ये आते हैं इस इंडिकेटर के ऊपर और सेंसर के ऊपर, और इसके अलावा यही 5 वोल्ट होके ऑडियो आईसी की तरफ भी आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यही 5 वोल्ट जो है वो आगे इस मेन आईसी की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। जब मेन आईसी को 5 वोल्ट मिलेंगे तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा। तो अब हमारा सेट बिल्कुल ओके हो चुका है।